ओ अंजलि भाभी, वो बुलबुल से जरा एक मिनट बात करनी थी। बुलबुल से बात करनी है? पोपट भाई, बुलबुल से बात करने के लिए जिंदगी पड़ी है। फिलहाल आप फोन रखिए, हमें उसे तैयार करना बाकी है। बाबा रखिए रखिए, बाद में बात कीजिएगा। सुनिए सारा, सुनिए। कैसे पता चलेगा कि राहुल वहां से निकला है कि नहीं? चलो पोपटलाल, दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ। नाना वटी रे साजन तैयार थई गया, केवी शेरवानी लागे, नीचे मोजड़ी सरस लागे, माथे साफो पेरी ले तैयार थई गया। चमक रहे हो। पोपट भाई को किसी की नजर ना लगे। अरे इसको लेकर कहाँ नाच रहे आप लोग, इसको साइड में रख दो ना भाई, कोई नहीं ले जाएगा, साइड में रख दो। आइए संभाल के संभाल दो। बुलबुल कहाँ है? दूल्हे राजा, दुल्हन हमारे घर पर है। पोपट भाऊजी, पहले आपकी बारात निकलेगी, उसके बाद दुल्हन की डोली उठेगी। उतावला, आज तो हम शादी का डबल मजा लेंगे, क्योंकि हम लड़की वाले भी हैं और लड़के वाले भी। हाँ मम्मी जी। अरे लेकिन मजा तो तब लेंगे ना जब भाई बारात निकलेगी, और बारात कब निकलेगी पोपटलाल जी? जब आप घोड़े पे बैठेंगे। जरा जल्दी कीजिए, घोड़े को और भी बारातों में जाना होगा भाई। उससे पहले मुझे बुलबुल से मिलना है। असल में दया भाभी, मेरे गुरु ने कहा है कि पोपटलाल जब भी तुम्हारी शादी हो तो मंडप में जाने से पहले मेरा दिया हुआ गुरु मंत्र अपनी होने वाली दुल्हन के कान में फूंक देना। तो वो रसम निभानी जरूरी है। अच्छा अच्छा, जाइए जाइए। तो ठीक है दामाद जी, मिलाइए। पोपट भाई ये लीजिए घर की चाबी। हाँ, मैं बस अभी जाकर आता हूँ। कुछ अलग रसम है तो हंस को तो मिले। भाई बड़ी मुश्किल से तो। अरे अभी हाँ, बचा के रखो भाई हाथ पाओ। ऐसे कैसे गुरु, ऐसे गुरु मंत्र होगा?
बुलबुल बुलबुल बुलबुल, ये राहुल का कोई अता पता नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। अगर वो नहीं आया तो हमारी शादी हो जाएगी। पत्रकार जी, शायद यही भोलेनाथ जी की इच्छा है। समझने की कोशिश करो, तुम मुझे जानते ही कितना हो। हमने आपको जान लिया है। इन दो दिनों में आपको जितना जाना है उतना काफी है हमारे लिए। जो इंसान एक अनजान लड़की की इतनी मदद करके भी उस पर कोई हक ना जता है, उसके बारे में हमें और कुछ नहीं जानना पत्रकार जी। बस अब आपकी और हमारी जिंदगी का रास्ता एक ही है। बिल्कुल, तुम भावुक होकर मुझसे शादी करने का फैसला कर रही हो, लेकिन तुम प्यार राहुल से करती हो। देखो, अभी भी सोच लो, तुम आग से खेल रही हो। नहीं पत्रकार जी, शायद अब यही हमारी किस्मत है। हे भगवान, क्या सिचुएशन है, इसमें खुश हो या दुखी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्रकार जी जाइए, सब दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तो दूल्हे का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आइए नीचे। तैयार हो रहा हूँ। कितने शर्मा रहे हैं। शादी का मुहूर्त पीता जा रहा है। ये वाह वाह वाह। यजमान जी, कन्या को मंडप में लेके आइए, विधि शुरू करनी है, समय बीता जा रहा है। पोपट भाई, हम सब बहने आपकी दुल्हन को लेकर आ रहे हैं। समय समय बीता जा रहा है। वाह वाह। पोपटलाल, कहाँ जा रहे हो?
वो जरा ओ अच्छा अच्छा पोपटलाल दो माले तक जाते जाते तो अरे बहुत कष्ट हो जाएगा। सबसे नजदीक तो मेरा घर है, वहीं हुआ। हाँ बराबर है, जाओ जाओ लेके जाओ लेके जाओ। अरे आप कहाँ? अरे भाई घर का दरवाजा खुला है ना? हाँ घर तो खुला ही है, तो मैं जाकर आता हूँ। ओ यार भाई आप यहीं रुकिए ना, मैं जरा जाकर आता हूँ, आप रुकिए यहाँ पर। वाह इमरजेंसी में आके डॉक्टर ही काम आया। अरे ओ अय्यर भाई आप कहाँ जा रहे हो साथ में? अभी दुल्हन आएगी उसका वीडियो शूटिंग करना है भाई। आओ भाई आओ। हाँ फिर बोलते तो कि मुझे मत सिखाओ, मुझे मत डालो। मैं ये क्या ये मालूम तो बेचारा बाथरूम जा रहा है, उधर का वीडियो शूटिंग करने का। बैटरी संपल बाबा। अय्यर भाई आप भी ना यार, उधर कहाँ जा रहे हैं आप शूटिंग? क्या का शूटिंग? ओ इतनी जल्दी आ गया है? ए डिब्बे यहाँ क्या कर रहे है? जा जाके मंडप में जाके बैठ। अरे बुलबुल भाभी आइए डोली में बैठिए। हाँ हाँ मस्त सजाइए। कब से चल रही है? देखो अभी डोली में मंडप तो यहीं पे। हाँ बुलबुल डोली में बैठेगी, ये लोग डोली उठा के ऐसे घूमेंगे इतने में मंडप आ जाएगा। नहीं नहीं पापा पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाते हैं। मजा आएगा। आइए 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 पापा आइए। वसूली वसूली पैसा वसूली चलो। ये शादी है या दिवाली? अरे नट्टू काका दूल्हे के लिए फटाके फोड़े तो दुल्हन के लिए भी फटाके फोड़ने पड़ेंगे ना। नाचो। संभल संभल भाई। अरे बच्चे लोग समझते नहीं, सब दिवाली मना डाला। आई 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 टच होकर निकला है। कोई बात नहीं तुम खतरे से बाहर हो, चलो
गौरी नारायणी नमस्ते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलाय तनोहरे विघ्नेश्वराय वृदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शुक्राय जगद्दाय कृष्णाय गोविंदाय नागाननाय सुतयग्न विभूषिताय। शायद विधाता ने बुलबुल के लिए इन्हें ही पति चुना था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैं उस विधाता के लेख को बदलने चला था। समधी जी, जोड़ियां तो वहां से बनकर आती है, हम तो यहाँ पे सिर्फ छैना बजवाने का काम करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है पोपटलाल की शादी हो रही है। कितना दम पछाड़ा किया इसने शादी के लिए। चलो आखिर ऊपर वाले ने सुनी ली है, हो गई शादी, हो रही है। हो रही है। वो गीता में लिखा है ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलता है। बिल्कुल सही कहा संत जेठालाल जी। समय समय की बात है, समय समय का योग। लाखों में बिकने लगे दो कौड़ी के लोग। नहीं नहीं, जनरली कह रहा हूँ, पोपटलाल के लिए नहीं। ओम शांति शुभम कल्याणम समर्पयामि। डिब्बा जंच रहा है। सही बात है चाचा। बुलबुल भाभी और पोपट भाई की जोड़ी मस्त लग रही है। नहीं कोई लड़की घर से भाग के पोपटलाल के साथ शादी करने के लिए तैयार है, ये बात अभी भी मुझे हजम नहीं हो रही है। चुरण दू आप कहो। मुझे भी तो हजम करनी है बात। शाबाश पोपटलाल, शाबाश। अरे सुन ही नहीं रहे। अब कहाँ सुनेगा, गया हाथ से। नहीं नहीं, गया कान से। कन्यादान के लिए कन्या का माता पिता मंडप में पधारिए। मम्मी जी। हमारे किटी पार्टी में एक और मेंबर पड़ गया। देखो भाई, पोपटलाल अभी तक शादी के लिए विलाप करता था, अब विलाप की जगह मिलाप हो गया। दूल्हा और दुल्हन फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अय्यर भाई तैयार है ना आप? अभी वो फेरे लेंगे, वो मेन है, वो छूटना नहीं चाहिए, उसका शूटिंग खास करना। हाँ भेड़ा लाल, मेरे को मालूम है क्या करना है। हाँ है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ, 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 ये एपिसोड यही खत्म हो गया। आपकी तरह मैं भी टेंशन में हूँ साहब कि ये एपिसोड यहाँ क्यों खत्म हो गया। अभी तो बहुत जरूरी था ये जानना कि क्या होगा। भाई पंडित जी फेरों के लिए आह्वान कर चुके हैं, बुलबुल मंडप पे पहुंच चुकी है और राहुल का ना कोई फोन है ना राहुल का आता पता। अब क्या होगा, कहीं पोपटलाल को बुलबुल से शादी ना करनी पड़ जाए। क्या पोपटलाल बुलबुल से शादी करेंगे? भाई सवाल बहुत सारे, और अगर सचमुच राहुल आ गए तो भूकंप आ जाएगा। क्या बलदेव राहुल को दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे? और गोकुल धाम वालों को अगर सच का पता चल गया तो उनके मन पे क्या बीतेगी? और पोपटलाल का इस बार खुद को और परिस्थितियों को माफ कर पाएंगे? पोपटलाल का हाल इस वक्त दलदल में फंसे व्यक्ति की तरह, जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतने ही फंसते चले जाते हैं। अब देखना यह है कि बुलबुल की शादी किससे होती है कल, क्योंकि बुलबुल की शादी तो उसी से होगी जिससे ईश्वर चाहेंगे, भगवान भोलेनाथ जिससे चाहेंगे उससे बुलबुल की शादी होगी। अब बुलबुल के भाग्य में कल क्या होगा, भाई कल का एपिसोड देखना बड़ा ही आवश्यक है। देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।